अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। बेनजीर कत्ल केस में साबिक सेक्रेटरी दाखिला सैयद कमाल और साबिक डीजीआईबी एजाज शाह भी शामिल तफ्तीश। रहमान मलिक की भी एफआईए हेडक्वार्टर कल तलबी। मुल्की और बैनुल अक्वामी एस्टैब्लिशमेंट रोशन ख्याल जमातों को इलेक्शन से दूर रखने की साजिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और एएनपी का इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का। फौज ने इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान के 11 अजला में अहलकार तैनात। चार जमातों ने कराची में फौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। चारसद्दा में एएनपी के काफिले पर हमले में 2.5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। इमरान खान कहते हैं मुल्क में ईमानदार कयादत की जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चकवाल में कारकुनों को शेर पर मोहर लगाने का मशवरा दे डाला। 11 मई को शेर धाड़ेगा तो सब भाग जाएंगे, नवाज शरीफ की ललकार। नौजवानों से मिलकर पाकिस्तान को बदलने का अर्ज़। सीडीए में जाली प्लॉटों के अलॉटमेंट का स्कैंडल। हाउसिंग फाउंडेशन के आला अफसर के मुलविस होने का इंकशाफ। चेयरमैन सीडीए ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। और वसीम अकरम को किंग ऑफ स्पीड मिल गया। एबटाबाद के अहमद जमाल ने 143 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद कराई।